खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। टीम इंडिया के पूर्व खब्बू बल्लेबाज गौतम गंभीर राजनीति के पिच में आगामी लोकसभा चुनाव में उतर सकते हैं। गंभीर दिल्ली से बीजेपी की तरफ से आगामी चुनाव में बैटिंग कर सकते हैं। वहीं भाजपा उनके नाम पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है। बीजेपी ने साल 2014 के चुनाव में दिल्ली में सभी 7 सीटें जीतते हुए क्लीन स्वीप किया था। सूत्रों के अनुसार सत्ता विरोधी लहर की काट के रूप में भाजपा गंभीर पर दांव लगा सकती है। खबरों के मुताबिक बीजेपी के एक नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि पार्टी नेतृत्व लगातार गंभीर के संपर्क में है, जिन्हें नई दिल्ली लोकसभा सीट से टिकट मिल सकता है। वर्तमान में इस सीट से मौजूदा सांसद भाजपा की मीनाक्षी लेखी हैं। मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं। आपको बता दें कि पार्टी के उच्च नेतृत्व की उनसे बात भी हो चुकी है। इस बारे में फैसला जल्द लिया जाएगा। गौतम गंभीर आम आदमी पार्टी की नीतियों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अक्सर आलोचना करते रहते हैं। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वह राजनीति में कदम रख सकते हैं। उन्हें किस सीट से टिकट दिया जाए, यह फैसला करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अन्य बातों के साथ मीनाक्षी लेखी का लोकसभा में प्रदर्शन भी एक अहम मुद्दा है। कुछ पूर्व पार्षदों ने भी पार्टी नेतृत्व को सलाह दी है कि सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए कुछ मौजूदा सांसदों की जगह नए लोगों को टिकट देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि साल 2017 के निकाय चुनाव में पार्टी ने यह रणनीति अपनाई थी और ये काम आई है। सूत्रों के अनुसार आगामी चुनाव में चांदनी चौक सीट से मौजूदा सांसद हर्षवर्धन को पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि जो भी तीनों ग्रुप में सबसे अच्छे जो कैंडिडेट हैं वो रजत शर्मा जी हैं। एक तो सबसे क्लीन इमेज है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं एंड आई एम श्योर कि आई थिंक ही विल डू अ वेरी गुड जॉब बिकॉज जिस तरीके की उनकी इमेज है, जिस तरीके की उनका एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर दैट ही इज़ समवन हु शुड टेक दिस DDCA फॉरवर्ड एंड ही इज़ द राइट कैंडिडेट। आई एम श्योर कि लोग आके उनको सपोर्ट करेंगे बिकॉज बहुत टाइम बाद हमारे को अरुण जेटली जी के बाद ऐसा कोई प्रेजिडेंट मिलने वाला है कि जिनकी इतनी क्लीन इमेज है और जिन्होंने DDCA के लिए इतना काम किया।